हेलो एवरीवन, आज मैं आ गया हूँ मैक आर्थर ब्रिज इन डेट्रॉइट। मेरे घर से 3 miles दूर है ये ब्रिज और कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं वहाँ जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है। इस ब्रिज का नाम है मैक आर्थर ब्रिज, ये आप देख सकते हैं। ये इस ब्रिज का नाम है और ये इसका व्यू है। अभी मैं और आगे जाके लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये ब्रिज। ये नीचे डेट्रॉइट रिवर है। यहाँ पे लिख रखा है रिक्रिएशन पासपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। पता नहीं क्या मतलब है इसका, देखते हैं। क्योंकि ये ब्रिज डेट्रॉइट को कनाडा से जोड़ता है। इसके ब्रिज के उस एंड में कनाडा स्टार्ट हो जाता है, ओंटारियो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो देखते हैं आगे कैसा है ये ब्रिज। ये ब्रिज का लुक है और ये रिवर है। ये लुक है ब्रिज का। पानी आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, ग्रीन ग्रीन पानी दिख रहा है। सामने वो बोट राइड हो रही है और वो सिटी की स्काईलाइन है पूरी। तो अभी देखो ये मेरा ब्रिज है, यहाँ से ये वाला ब्रिज है। मैं इसके इधर आ गया साइड में, देखते हैं यहाँ पे क्या है। वैसे अच्छा स्पॉट है ये आउटिंग के लिए। ये देखो कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे भी अच्छा उस साइड जाने के लिए है ये वाला एरिया। इसके नीचे से इस ब्रिज के उस साइड जा सकते हैं। चलो उस साइड तो क्या करूँगा मैं, बट ये है रिवर, डेट्रॉइट रिवर। इसके यहीं देख लेता हूँ। ये छोटा सा रास्ता बना रखा है। सो ये व्यू है, ये लाइट हाउस है। मैप में शो हो रहा था लाइट हाउस है। तो ये लुक है ब्रिज का नीचे से। वो उधर लोग साइकिलिंग कर रहे हैं साइड में और उधर सारी डेट्रॉइट सिटी है। वो
ये अभी एक आदमी आया है यहाँ पे फिशिंग करने, और वो देखो एक आदमी आया है यहाँ पे और वो कर रहा है फिशिंग। वो बैठा देखो कहाँ बैठा है, इसके पीछे जाता हूँ मैं, इसके बाद पूछता हूँ क्या प्रोसीजर है, कैसे पक्षी पकड़ते हैं। देखो बैठ के फिशिंग कर रहा है, अभी आया था मेरे सामने। एक छोटी मछली लाया है पकड़ने के लिए बड़ी मछलियों को, तो छोटी मछली लगा रखी है उसमें। ये नज़ारा है पूरे रिवर का, इस ब्रिज का। ओ मुझे क्या दिखी यहाँ पे, देखो ये, देखो क्या दिखी मुझे यहाँ, वाओ। मैं सोच रहा है आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये घूम रही थी इधर पीछे घास में। वेलकम फ्रॉम मैक आर्थर ब्रिज इन डेट्रॉइट। लवली व्यू है, आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, सनी वेदर है। पहले कुछ दिनों से यहाँ बारिश हो रही थी तो आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो मैंने सोचा अभी शाम के 5 बजे हैं तो मेरे घर के थोड़ा पास था ही, 3 माइल्स दूर था, तो मैंने सोचा यहाँ आ जाता हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँगा, एक वीडियो भी बना लूँगा। तो ऐसा दिखता है ये ब्रिज। तो ये व्यू है डेट्रॉइट रिवर का बिहाइंड मी, अभी तो गिरता यहाँ, स्लिपरी है। तो ये देखो कितना काम, ब्यूटीफुल। सारी डिट्रॉइट सिटी है, ये पीछे ब्रिज का व्यू है। बहुत फ्रेश एयर है यहाँ, आई कैन फील इट, एयर इज सो फ्रेश। मौसम भी अराउंड 20-21 डिग्री है, जैसे अपने सर्दियों में होता है फैब में, वैसा मौसम है। और पानी भी एकदम साफ पड़ा है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, देखो पत्थर भी दिख रहे हैं नीचे, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई गंदगी नहीं।
कोई रोकने नहीं वाला, कोई टोकने नहीं वाला, जिसको जो करना है करो। देख रहे हो पानी कितना क्लियर है, कितना ग्रीन लग रहा है पानी। ये है रिवर, जो लोग रिवर को रिवर ही समझते हैं वहाँ का पानी ऐसा होता है, और जो रिवर को भगवान समझते हैं उनका पानी आप सबने देखा है। तो रिवर को रिवर ही रहने दो, तब जाके इतना क्रिस्टल का क्लियर पानी मिलेगा आप लोगों को। अभी ब्रिज के नीचे आ गया मैं, मेरे पीछे दिख रही हैं। साइड जा रही That's another side of the river. I was there in the starting. Now I came this side. I crossed this bridge, and this is another side of the river. This is called Detroit River. That side is Canada. This side is US. वो देखो एक आदमी आया है यहाँ पे और वो कर रहा है फिशिंग। वो बैठा देखो कहाँ बैठा है, ब्रिज के पीछे कुछ कर रहा है। जाता हूँ मैं इसके बाद, पूछता हूँ क्या प्रोसीजर है, कैसे पक्षी पकड़ते हैं। देखो बैठ के फिशिंग कर रहा है, अभी आया था मेरे सामने। वो देखो एक आदमी आया है यहाँ पे और वो कर रहा है फिशिंग। वो बैठा देखो कहाँ बैठा है, ब्रिज के पीछे कुछ कर रहा है। जाता हूँ मैं इसके बाद, पूछता हूँ क्या प्रोसीजर है, कैसे पक्षी पकड़ते हैं। देखो बैठ के फिशिंग कर रहा है, अभी आया था मेरे सामने। That's another side of the river. I was there in the starting. Now I came this side. I crossed this bridge, and this is another side of the river. This is called Detroit River. That side is Canada. This side is US.